मंसूर। कई सालों से मैं इस लाइट हाउस में कैद हूँ, पर जब भी मैं यहाँ से बाहर निकला उस दिन से सभी लोग असुर का क्रोध देखेगा। कई साल पहले एक सन्यासी बाबा ने असुर और उसके साथी को इस लाइट हाउस में कैद कर दिए थे ताकि वह किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। कभी ना कभी कोई तो लाइट हाउस में आएगा, फिर जाके मैं उसकी मदद से बाहर आ जाऊंगा, इसलिए मुझे बेसब्री से वह दिन का इंतजार रहेगा। ये धनीपुर नाम का गांव है, यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, तभी दो अनजान व्यक्ति वहाँ आते हैं। दो अनजान व्यक्ति को देखकर वहाँ का बहादुर आ जाता है, जो इस गांव का मुखिया है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? मैं प्रजापति का पोता हूँ और मैं अपने दादाजी का लाइट हाउस बेचने के लिए आया हूँ, जो मेरा दोस्त नीरज लेगा। बेटा महेश, तुम्हारे लाइट हाउस के अंदर कोई नहीं जाता है, पर यदि कोई भी अंदर गया तो उसकी मदद से वह असुर वापस आजाद हो जाएगा। मुझे पता था आप लोग ये फालतू असुर की कहानी सुनाकर मुझे आज भी वापस भेज देंगे, पर आज मैं अपने लाइट हाउस के अंदर घुस के रहूंगा। महेश बूढ़े व्यक्ति को धक्का मारकर उस लाइट हाउस के पास जाने लगता है। अरे भाइयों, उसे लाइट हाउस में जाने से रोको, नहीं तो असुर आजाद हो जाएगा और फिर हमारा बचना नामुमकिन होगा। अपने मुखिया की बात सुनते ही गांव के सभी लोग डंडे लेकर महेश के आगे आ जाते हैं। यहाँ से वापस निकल जाओ, नहीं तो हम सभी तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। महेश और उसका दोस्त नीरज इतने लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह दोनों वहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। महेश और नीरज गांव से बाहर जा रहा था तो सभी लोग को लगा कि वे दोनों अब वापस यहाँ नहीं आएगा, पर दोनों वही गाँव में छिप जाता है। नीरज, आज हम दोनों लाइट हाउस के अंदर घुस कर रहेंगे, बस जल्दी से रात हो जाए। महेश और नीरज रात होने का वेट कर रहा था ताकि वे दोनों चुपचाप लाइट हाउस के अंदर घुस जाएं और गांव वालों के मन से असुर का डर बाहर निकाल सके। कुछ समय बाद रात हो जाती है और तभी मौका देखकर दोनों चुपचाप लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दोनों लाइट हाउस के नजदीक जा रहा था, पर तभी महेश देखता है कि लाइट हाउस के पास दो गांव वाले पहरा दे रहे हैं। ओ शिट, आगे दो लोग हैं और वो हमें अंदर जाने नहीं देंगे। हमें कुछ करना होगा जिससे उसका ध्यान भटक जाए और हम दोनों आसानी से अंदर जा सके। महेश के दिमाग में एक उपाय आता है। नीरज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, जैसा मैं बोलता हूँ ठीक वैसा ही करना। महेश अपना आइडिया नीरज को बताता है, जिसके बाद महेश वहीं छिप जाता है और नीरज उन दोनों के पास जाने लगता है। अरे कौन है, इतनी रात में इधर क्यों आ रहा है? उसे पता नहीं है क्या यहाँ रात में आना मना है? पता नहीं वो कौन है, रुको मैं अभी उसे वहीं से वापस भेजता हूँ। गांव वाला उसे भगाने के लिए उसके पास जाने लगता है, जिसके बाद नीरज अपने पीछे की तरफ भागता है। अरे रुको, तुम भागे क्यों जा रहे हो, तुम आखिर हो कौन? नीरज उस आदमी को महेश के पास ले जाने लगता है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिया हुआ था। जैसे ही वह व्यक्ति महेश के पास आता है, तभी वह अपने डंडे से उसके सर पर वार कर देता है। ये तो मंगरू की चिल्लाने की आवाज है। गांव वालों, जल्दी से उठो, कोई मंगरू पर हमला कर दिया है। नीरज, ये तो बेहोश हो गया है, पर दूसरा वाला गांव के लोगों को चिल्लाकर बुला रहा है, पर हमें जल्दी उससे बचकर लाइट हाउस के अंदर घुसना है। महेश का बात मानते हुए दोनों वहां से निकलकर लाइट हाउस के पास जल्दी से जाने लगता है। अरे रुको, तुम दोनों कौन हो? ये तो महेश है। गांव वालों उठो, महेश लाइट हाउस के अंदर जाना चाह रहा है। महेश जल्दी से जाता है और दूसरे पहरेदार पर भी अपने डंडे से हमला कर देता है, जिसके बाद वह भी बेहोश हो जाता है। चलो नीरज, जल्दी से लाइट हाउस के अंदर, नहीं तो गांव का सभी लोग यहां आ जाएगा। महेश का बात मानते हुए दोनों लाइट हाउस के अंदर चला जाता है।
अरे नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। हमारा सालों का मेहनत सब बर्बाद हो गया। अब हम उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव को बर्बाद होने से बचाने के लिए वह झुनझुन बाबा के आश्रम जाने का फैसला करता है। बूढ़ा व्यक्ति फौरन बाबा का आश्रम निकल जाता है और इधर सभी लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं। दोस्तों, गुप्ता जी आप सभी के लिए एक और कार्टून चैनल ओपन किए हैं, जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, जहां भूत चुड़ैल की स्टोरी आएगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। महेश और नीरज लाइट हाउस के अंदर घुस जाता है, जहां काफी अंधेरा होता है। नीरज, यहां तो चारों तरफ काफी अंधेरा है और सब कुछ बिखरा हुआ है। हाँ महेश, लगता है यहां कई सालों से कोई नहीं आया है। नीरज, ये तुमने सही कहा, पर गांव वालों को लगता है कि यहां असुर नाम का भूत रहता है, पर ऐसा नहीं है। हमें झूठी कहानियां सुनाकर मेरे घर पर कब्जा करना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महेश और नीरज वापस से लाइट हाउस से बाहर जाने लगता है, पर तभी उन्हें असुर के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बच्चे? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? अनजान आवाज सुनकर महेश और नीरज अंदर ही अंदर डर जाता है, क्योंकि वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। ये किसकी डरावनी आवाज है? आखिर यहाँ कौन है? सामने आओ, मुझे पता है तुम हमें डराना चाहते हो, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। महेश और नीरज को लग रहा था कि उसे गांव वाला डराना चाहता है, ताकि वह डर के मारे यहाँ से भाग जाए, पर वह लाइट हाउस में घूमता रहता है। देखा नीरज, गांव वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा था, पर हमें डरना नहीं है। महेश के बोलने पर नीरज का जवाब उसे नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अपने पीछे घूमता है तो उसे वहाँ नीरज नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। नीरज, नीरज, तुम्हें क्या हुआ? महेश काफी प्रयास करता है नीरज को उठाने का, पर वह उठता नहीं है। पर तभी उसे असुर की आवाज सुनाई पड़ती है। महेश, अब तुम्हारा दोस्त उठ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। नीरज को मार दिया? तुम हो कौन? सामने तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महेश के बोलते ही वहाँ चारों तरफ असुर के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। असुर के हंसने की आवाज से महेश परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से जाने का विचार करता है। पर तभी सामने असुर और उसका साथी आइज आ जाता है। असुर और आइज को देखकर महेश काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं फौरन मारा जाता है। आइज, हमें इंसानी शरीर मिल गई है, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। असुर और आइज महेश और नीरज के शरीर में समाते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह दोनों वापस से खड़ा हो जाता है। बाबा, बाबा, आप कहाँ हो? बाबा, हमारी रक्षा करो। बूढ़ा व्यक्ति देखता है कि बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं, इसलिए वह हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करता है। कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों हो? बाबा, मैं धनीपुर गांव का मुखिया बहादुर हूँ और मेरे गांव के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कृपया आप उसकी रक्षा करें, नहीं तो वे सभी मारे जाएंगे। कौन तुम्हारे गांव के लोगों को मार देगा? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उससे तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाबा, वो भूतों का राजा है, जो बहुत ही ताकतवर है, और उसका नाम असुर है। बूढ़ा व्यक्ति के मुख से असुर का नाम सुनकर बाबा थोड़ा विचलित हो जाते हैं, मानो बाबा को उसके बारे में बहुत कुछ पता हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे जहाँ तक पता है, असुर कई सालों से कहीं कैद है। हाँ बाबा, ये बात सच है, पर वह अब आजाद होने वाला है। क्या? पर उसे आजाद कौन कर रहा है? बाबा के पूछने पर बहादुर उन्हें सभी बातें बताता है।
ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई है। मुझे असुर को बाहर आने से रोकना होगा, नहीं तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। असुर को बाहर आने से रोकने के लिए बाबा और बहादुर को जल्दी से गांव जाना होगा, इसलिए बाबा हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला करते हैं। बाबा और बहादुर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली एक साथ घर में एंजॉय कर रहे हैं। गुल्ली, मेरे जैसा नाच कर दिखाओ तो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मेरे जैसा नाच पाते हो या नहीं। मिश्रा जी के बोलने पर गुल्ली उसके जैसा ही डांस करके दिखाता है। अरे वाह गुल्ली, तुम तो एकदम मिश्रा जी की तरह डांस करके दिखा दिए। गुप्ता जी की तारीफ करने पर गुल्ली काफी खुश हो जाता है। मिश्रा जी, गुल्ली तुम्हारी तरह नाच कर दिखा दिया, अब इस बात पर तुम्हें हम सबको पार्टी देना होगा। क्यों नहीं बुल्ली, मैं सभी के लिए अभी बर्गर लेके आता हूँ। इधर बर्गर लाने के लिए मिश्रा जी मार्केट निकल जाता है। और उधर बाबा धनीपुर गांव पहुँच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। बाबा, यहाँ तो सब तबाह हो गया है, असुर लाइट हाउस से आजाद हो गया। अपने गांव के लोगों को मरा हुआ देखकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगता है। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? ये तो सुनील की आवाज है। सुनील, तुम कहाँ हो? मैं बाबा को लेकर यहाँ आ गया हूँ। मैं लाइट हाउस के सामने घायल पड़ा हुआ हूँ बाबा। सुनील के बोलते ही मुखिया और बाबा जल्दी से लाइट हाउस के पास आ जाते हैं, जहां सुनील घायल पड़ा हुआ था। घायल सुनील को बाबा अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपके वजह से बच गया, पर गांव के सभी लोग मारे गए, यहां कोई नहीं बचा। बाबा, असुर ने सबको मार ही दिया और अब वह आजाद है। यदि उसे वापस से पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं वो अब और कितने लोगों को मार डालेगा। मुझे पता है उसके बारे में, इसलिए मैं जल्दी से उसे पकड़ के रहूँगा, पर उसके लिए मुझे गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली और बुल्ली की आवश्यकता है। असुर को पकड़ने से पहले बाबा गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। और उधर मिश्रा जी बर्गर लेने के लिए मार्केट जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में उसे असुर और आई दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह काफी डर जाता है। ओह नो, ये दोनों तो कोई भूत प्रेत लगता है, मुझे इसके बारे में गुप्ता जी को बताना चाहिए, पर ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहा है, मुझे ध्यान से इसकी बातें सुननी चाहिए। असुर और आई आपस में कुछ बात कर रहा होता है, जो मिश्रा जी छिप कर ध्यान से सुनता है। आईस, मुझे सन्यासी बाबा से अपना बदला लेना है, पर वो कहीं भी मुझे दिखा नहीं। असुर, सन्यासी बाबा जीवित नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों कई वर्षों से वहाँ कैद थे, तो शायद अब तक में वह मर गया होगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मुझे उससे बदला लेना है। यदि वो मर चुका है तो कोई ना कोई उसका साथी जरूर होगा, जिसको मार के मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। हाँ, ऐसा हो सकता है, सन्यासी बाबा का कोई ना कोई साथी जरूर होगा, या उसके चाहने वाले जरूर होंगे, पर हमें उसे खोजना होगा। तुम सही कह रहे हो आईस, हमें उसे खोजना होगा, पर यदि वह नहीं मिला तो मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। आईस और असुर आपस में बात करने के बाद दोनों सन्यासी बाबा का कोई साथी को खोजने के लिए निकल जाता है। मिश्रा जी असुर का पूरा बात सुन लिया था, जिसके बाद वह सभी बातें गुप्ता जी को बताने के लिए जल्दी से घर की ओर भागता है। कुछ देर में ही मिश्रा जी घर पहुंच जाता है और गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली को असुर वाली घटना के बारे में सबको बताने लगता है। ये तुम क्या बोल रहे हो मिश्रा जी, यदि ऐसा है तो हमें जल्दी से ये सभी बातें बाबा को बतानी चाहिए। हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अब चलिए जल्दी से बाबा के पास। सभी लोग बाबा के पास जाने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी दरवाजे से खटखट की आवाजें आती है। खटखट की आवाज से सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिश्रा जी का पीछा करते हुए असुर यहाँ आ गया है।
सभी डरे हुए होते हैं, फिर भी गुप्ता जी और बुल्ली दरवाजा खोलने का फैसला करता है ताकि पता तो चले कि आखिर कौन है दरवाजे के बाहर। जैसे ही गुप्ता जी और बुल्ली दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मिश्रा जी और गुल्ली उन दोनों को ऐसा करने से रोक लेता है। गुप्ता जी, दरवाजा नहीं खोलिए, मुझे लग रहा है दरवाजा के पीछे वही भूत प्रेत है। हाँ बुल्ली, दरवाजा मत खोलो, यदि भूतों ने हम पर हमला कर दिया तो हम सब बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। मिश्रा जी और गुल्ली के बोलने पर गुप्ता जी और बुल्ली दरवाजा नहीं खोलता है। सभी डरे हुए थे, पर तभी दरवाजे से खटखट की आवाज आना बंद हो जाती है और तभी अचानक रूम के अंदर बाबा आ जाते हैं। बाबा को अपने सामने देखकर गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी मिश्रा जी खुश हो जाते हैं। बाबा, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, क्योंकि हमारे घर के बाहर भूत है जो हमारा दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है। मिश्रा जी का बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं। बाबा, आप हंस क्यों रहे हैं? मिश्रा जी जो बोला बिल्कुल सच बोला है। गुप्ता जी, तुम्हारे घर के बाहर कोई भूत नहीं है, वो मैं था जो तुम सबसे मिलने आया था। बाबा का बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वो सब तो ठीक है बाबा, पर आप यहाँ अचानक? गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मुझे तुम सबकी सहायता चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बाबा सभी को असुर के बारे में बताते हैं ताकि सभी लोग अच्छे से समझ जाए। हाँ बाबा, मैंने बाहर किसी भूत प्रेत को देखा था और वह किसी सन्यासी बाबा को खोज रहा था। मिश्रा जी का बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि मिश्रा जी जिसको देखा था वो असुर ही था। मिश्रा जी, जिसे तुमने देखा था वह असुर ही है जो बहुत ही ताकतवर है, पर यदि आज रात तक में मैं उसे पकड़ नहीं पाया तो दिन में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर मैं उसे कैद नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो बाबा हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा, नहीं तो पता नहीं वह धनीपुर गांव की तरह कितने लोगों को मार देगा। हाँ गुप्ता जी, अब आगे कोई नहीं मरना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें ही मरना क्यों ना पड़ जाए। बुल्ली का बात सुनकर सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बाबा बताइए, अब आगे का क्या प्लान है, आखिर हम उसे कैसे पकड़ेंगे? मिश्रा जी, सबसे पहले हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, इसलिए असुर का मुकाबला करने से पहले हमें गुल्ली बुल्ली के बाबा को बुलाना होगा और तुम सभी को मैं कुछ देने वाला हूँ जिसकी मदद से हम सभी असुर पर भारी पड़ेंगे। बाबा का बात सभी लोग समझ जाता है, जिसके बाद बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और तभी सभी के हाथों में एक शस्त्र आ जाता है। तुम सभी को मैंने एक टॉय ब्लास्टर दे दिया है जिसकी मदद से असुर पर तुम सभी हमला कर सकते हो। ठीक है बाबा, अब हम सभी असुर को छोड़ेंगे नहीं। हाँ गुप्ता जी, पर उससे पहले मैं गुल्ली बुल्ली के बाबा को यहाँ लेके आता हूँ, तब जाकर हम सभी एक साथ असुर पर हमला करेंगे। गुल्ली बुल्ली के बाबा को लाने के लिए बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर असुर पूरा शहर घूम लेता है, पर उसे सन्यासी बाबा के जैसा कोई दिखाई नहीं देता है। आई, हमें कहीं भी सन्यासी बाबा का साथी नहीं मिला, मुझे लगता है हमें शहर पर हमला कर देना चाहिए, तब शायद हमें रोकने सन्यासी बाबा का कोई साथी आएगा और फिर मैं उसे मार कर अपना बदला पूरा कर लूंगा। अपना बदला पूरा करने के लिए असुर शहर को बर्बाद करना शुरू कर देता है ताकि सन्यासी बाबा का कोई साथी वहां आ जाए। आइस के धमाके की आवाज गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को सुनाई पड़ जाती है। बुल्ली, ये तो धमाके की आवाज है, लगता है हमारे आसपास कुछ ब्लास्ट हुआ है, चलो जाकर देखते हैं। गुप्ता जी, धमाके की आवाज तो फिर से आई है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए जल्दी से। बुल्ली, मैं और मिश्रा जी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ गुल्ली, क्यों नहीं, चलो सभी साथ मिलकर देखते हैं। धमाके का पता लगाने के लिए सभी लोग उस तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय में सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कई लोग भागते हुए दिखाई पड़ता है और तभी मिश्रा जी की नज़र असुर पर पड़ जाती है। गुप्ता जी, बुल्ली गुल्ली, वहां देखो, ये धमाका असुर और उसका साथी कर रहा है। हाँ मिश्रा जी, पर हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जाओ असुर, नहीं तो हम सभी तुम्हें फिर से लाइट हाउस में कैद कर देंगे। लाइट हाउस का बात सुनते ही असुर समझ जाता है कि यह सभी जरूर सन्यासी बाबा का साथी है, जिसके बाद वह बहुत खुश हो जाता है। सन्यासी बाबा का साथी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था,
अब तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। असुर अपने साथी आई को इशारा करता है, जिसके बाद वह उन पर हमला करता है, पर सभी लोग कूदकर अपने आप को बचाते हैं। बच गया, पर इस बार नहीं बचेगा। आई फिर से हमला करो। आई फिर से उन पर हमला करता है, पर फिर से सभी लोग अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी, हमें अलग होकर इन पर हमला करना होगा, तब जाकर हम सब इसे रोक सकते हैं। मिसाली का बात सभी लोग समझ जाता है, जिसके बाद सभी लोग अलग अलग दिशा में आ जाते हैं। सभी के अलग दिशा में होने के कारण आई को समझ नहीं आता है कि वह किस पर सबसे पहले हमला करे। आई कुछ सोच पाता, पर तभी गुप्ता जी अपने टॉय ब्लास्टर से उस पर हमला कर देते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी असुर पर भी वार करते हैं, पर असुर अपने आप को बचाते हुए उस पर हमला कर देता है। गुप्ता जी असुर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असुर पर हमला करने के लिए मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली एक साथ उसके पास जाते हैं, पर उनके वार करने से पहले ही असुर मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पर हमला कर देता है। असुर के एक ही वार से मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली भी घायल हो जाता है, जिसके बाद वह काफी खुश हो जाता है। मेरा बदला पूरा होने वाला है, मैं इन सभी को एक साथ मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। असुर गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को एक जगह ले आता है, ताकि वह सभी को जलाकर मार दे। इधर आई वापस से होश में आ जाता है और अपने दुश्मन को नीचे घायल पड़ा देख काफी खुश हो जाता है। असुर, इन्हें जलाकर राख बना दो। असुर उन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी उसे बहुत तेज आवाज उसकी तरफ आते हुए सुनाई पड़ती है। असुर और आई ऊपर की तरफ देखता है, जहां उसे कुछ उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और वो इधर ही आ रहा था, पर उन्हें नहीं पता उनमें दोनों बाबा बैठे हुए हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम सब घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, और अब असुर वापस से वही लाइट हाउस में कैद होगा। दोनों बाबा को देखकर असुर को ऐसा लगता है कि वह दोनों सन्यासी बाबा ही है, क्योंकि उन दोनों का कपड़ा सन्यासी बाबा के जैसा ही था। सन्यासी बाबा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हें मारकर मैं यहाँ पर राज करूँगा। वो तो समय बताएगा कि कौन किसको मारेगा। दोनों बाबा असुर से मुकाबला करने लगते हैं। बाबा मिलकर असुर को खूब मारते हैं, जिसके बाद आई गुल्ली बुल्ली के बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गुप्ता जी मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली उसे सामने से घेर लेता है। जब तक हम सब जिंदा हैं, तब तक तुम बाबा पर हमला नहीं कर सकते। सभी मिलकर आई पर हमला करते हैं, जिसके बाद आई घायल हो जाता है। इधर दोनों बाबा असुर से मुकाबला कर रहे होते हैं, पर असुर बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए उससे बाबा मार खा जाते हैं। सन्यासी बाबा, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। असुर, मुझे पता है तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, पर हम दोनों मिलकर तुम्हें वापस से लाइट हाउस में जरूर कैद कर लेंगे। दोनों बाबा अपनी शक्ति से असुर पर वार करते हैं, जिससे असुर को बहुत जोर की चोट लगती है। बाबा, असुर को चोट लगने पर वह तेजी से बाबा के पास आगे बढ़ता है और जोरदार उन पर हमला करता है। असुर के जोरदार वार से बाबा दूर गिर जाते हैं। बाबा झुनझुन बाबा पर वार होने पर गुल्ली बुल्ली के बाबा असुर पर जोरदार वार करते हैं। मुझ पर हमला करके तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। असुर हवा में उड़कर गुल्ली बुल्ली के बाबा पर वार करता है। बाबा, असुर के वार से दोनों बाबा बेहोश हो चुके थे, इसलिए असुर काफी खुश होता है। बाबा उठिए और असुर को वापस से लाइट हाउस में कैद कीजिए। गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के बोलने पर भी बाबा उठते नहीं हैं, इसलिए सभी काफी उदास हो जाते हैं। तुम्हारे बाबा बेहोश पड़ा है, पर अब मैं इन दोनों को मार कर मैं यहाँ पर राज करूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली, चलो सभी मिलकर अपने टॉय ब्लास्टर से इसको बेहोश करते हैं। मिश्रा जी के बोलने पर सभी लोग असुर को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी एक साथ उस पर वार करता है। सभी लोग एक साथ हमला करते रहो, हम इसे वापस से कैद कर सकते हैं।
नहीं, मैं नहीं हार सकता। असुर के जोरदार वार से सभी एक साथ घायल हो जाता है। तुम सभी ने अच्छा प्रयास किया, पर मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर अब तुम सबको मरना होगा। इधर आई को होश आ जाता है और सभी को जमीन में पड़ा देख काफी खुश होता है। असुर, ये तुमने कमाल कर दिया, अब हमारा बदला पूरा करने का समय आ गया है। हाँ आई, अब इन सभी को मैं जलाकर राख बनाने वाला हूँ। असुर फैसला करता है कि वह सबसे पहले झुनझुन बाबा को जलाएगा, इसलिए वह झुनझुन बाबा के पास जाता है। हे भगवान, कोई चमत्कार करो, हमें असुर से बचा लो। भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे बाबा को होश में ला दो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली भगवान को खूब याद करते हैं, जिसके बाद वहाँ तूफान आ जाता है। ये तूफान अचानक कहाँ से आ गया? वो क्या चमक रहा है? लगता है वहाँ कोई है। आई, जरा जाके देखो तो वहाँ कौन है। असुर के बोलने पर आई जैसे ही प्रकाश की ओर जाता है, तभी असुर देखता है कि आई अचानक आग से जल रहा है। असुर, मुझे बचाओ। आई को जलता देखकर असुर अपनी शक्ति से उसे बुझा देता है। आई, तुम अचानक कैसे जलने लगे? असुर, वहाँ कोई तो है जिसे देखते ही मैं जलने लग गया। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है वहाँ। असुर आग से जल नहीं सकता था, इसलिए वह डरे बिना आगे बढ़ता है। कौन है वहाँ? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। असुर के बोलते ही तूफान शांत हो जाता है और वहाँ एक तेज धमाका होता है, जिससे असुर दूर गिर जाता है। इधर दोनों बाबा को होश आ जाता है और गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वापस से खड़े हो जाते हैं। मूर्ख, तुमने असुर पर हमला किया, लगता है तुमने अपने मौत को बुलावा दिया है। बाबा, वो तेज प्रकाश में वहाँ कौन है? हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्रा जी के पूछने पर बाबा ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह कौन है। मिश्रा जी, वह तुम्हारे बाबा के बाबा कछुआ बाबा है। तुम बचोगे नहीं। कछुआ बाबा के वार से असुर घायल हो जाता है। अरे वाह, ये तो कछुआ बाबा है, अब असुर बचने वाला नहीं है। कछुआ बाबा अपनी शक्ति से असुर को हवा में उड़ा देते हैं और उसे जोर से नीचे पटकते हैं। असुर काफी शक्तिशाली था, इसलिए वह फिर से खड़ा हो जाता है, पर इस बार कछुआ बाबा अपने दैव्य शक्ति से उस पर हमला करते हैं, जिससे वह घायल हो जाता है। असुर के बेहोश होते ही सभी लोग देखते हैं कि कछुआ बाबा के साथ असुर और आई गायब हो गया है। बाबा, सभी लोग कहाँ गायब हो गए? मिश्रा जी, कछुआ बाबा उन दोनों को सही जगह पहुँचाने गए हैं, मतलब लाइट हाउस में। सन्यासी बाबा, हमें दोबारा से यहाँ कैद मत करो, हमें माफ कर दो सन्यासी बाबा। असुर का बात कछुआ बाबा नहीं मानते हैं, जिसके बाद वह लाइट हाउस का गेट बंद कर देते हैं। कछुआ बाबा की मदद से असुर और आई वापस से लाइट हाउस में कैद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये रहा पिछले वीडियो का शाउट आउट, और आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ आए तो जरूर से जरूर कमेंट करें।